लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है, बारी है छठे चरण की। छठे चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर करीब 889 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित 3 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, मेनका गांधी, बांसुरी स्वराज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण में जो सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का, जहां से बीजेपी ने तीसरी बार मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, जिसके बाद से इस सीट पर मनोज तिवारी की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। टिकट मिलने के बाद कन्हैया मनोज तिवारी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं मनोज तिवारी भी कन्हैया पर उनके दिए भाषणों के जरिए तंज कस रहे हैं। अब बयानबाजी की जनता के मन को कौन अच्छे से टटोल पाया है ये 4 जून को साफ हो जाएगा। वहीं दिल्ली में ही एक और रोमांचक मुकाबला है। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। दिल्ली के अलावा यूपी की सुल्तानपुर सीट भी हॉट सीटों में से एक है। यहाँ जातीय समीकरण चुनाव पलट सकते हैं। पिछले दोनों चुनावों में बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार निषाद और कुर्मी वोट काटने के लिए सपा बसपा ने अपने प्रत्याशी इन दोनों समुदाय के ही उतारे हैं। इससे बीजेपी की लय बिगड़ने के आसार है। हालांकि 8 बार सांसद रह चुकी मेनका जातीय समीकरण को काटने का मादा रखती है। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा करनाल में भी मुकाबला रोमांचक नजर आ रहा है। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराज को मैदान में उतारा है। चुनाव से ठीक पहले सीएम चेहरा बदलने से भी विपक्ष को आक्रामक होने का मौका मिल गया है। दिव्यांशु का ये पहला ही चुनाव है, लेकिन उन्हें नेताओं की गुटबाजी से जूझना पड़ रहा है। पिछली बार भाजपा सांसदों के विनिंग मार्जिन के लिहाज से करनाल सीट देश में दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी ने यहाँ 6 लाख वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की थी। अब इस बार मनोहर लाल खट्टर इस विनिंग स्ट्रीक को जारी रख पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली यूपी हरियाणा से होते हुए सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर पहले तीसरे फेज में वोटिंग होनी थी, लेकिन बाद में इसे छठे फेज के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इस बार पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की साख दांव पर है। हालांकि यहां महबूबा से ज्यादा मियां अल्ताफ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिससे ये मुकाबला रोमांचक हो गया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो इस छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिला था। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे, बीजेपी अपने दम पर 44 सीटें जीती थी। वहीं बसपा को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू की 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीट मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की मानी जा रही है। इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।